अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राजगल न्यूज़। दोस्तों आज है 28 मई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत वजीर सेहत डॉक्टर बैसल अल सबा ने ऐलान किया है कि वजारत कुवैत में काम के लिए काम पर रखने से पहले अपने मुतालिक देशों में गैर मुल्की वर्करों पर हेल्थ तहकीकात चलाने के लिए विदेशों में हेल्थ सेंटरों की तादाद बढ़ाने की अपील की है, ख़ास तौर से अफ्रीका और एशिया में। कुवैत में 2017 और 2018 में तहकीकात के दौरान 1271 केस के इंदराज किए गए हैं अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक। तो दोस्तों आप सभी को बताया चलें कि कुवैत के जो वजीर डॉक्टर बैसल अल सबा ने ऐलान किया है कि कुवैत में आने वाले जितने भी वर्कर हैं, ख़ास तौर से एशिया कंट्री के और अफ्रीका कंट्री के जितने भी लोग कुवैत में आना चाहते हैं काम के सिलसिले में, उनके लिए हेल्थ सेंटर जो है वो ज़्यादा तादाद उनकी की जाए ताकि वहाँ से आने वाले जितने भी वर्कर हों उनकी अच्छे से तहकीकात की जाए हेल्थ की और उसके बाद उन्हें कुवैत आने की इजाज़त दी जाए। साथ में ये भी कहा गया है कि कुवैत आने के बाद भी उनकी अच्छे से हेल्थ की तहकीकात की जाए, उसके बाद उनका वर्क परमिट जो है वो जारी किया जाए। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत जलेब अल सुवैक में बंदूक की नोक पर 28,000 कुवैती दिनार लूटने वाले एजेंट के खिलाफ डकैती की तहकीकात कर रहे फरवानिया गवर्नमेंट के सिक्योरिटी अहलकारों का कहना है कि कैमरे के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वो इस फैसले पर पहुंचे हैं कि मुलजिम ने अपना चेहरा छिपाने के लिए टोपी पहन रखी थी। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक जराए ने कहा है कि मुलजिम का चेहरा खास तौर साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने पाया कि वो शख्स जो टोपी पहने हुए था वो फिलहाल फरवानिया तहकीकती टीम के लिए एक बहुत ही खास सबूत है जो केस फाइल को बंद करने के अपने कोशिश को जारी रखता है। जराए ने बताया कि मुलजिम को उंगलियों के निशान के जरिए पहचानने के लिए टोपी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। मुलजिम ने टोपी को खास तौर से ये सोचकर छोड़ दिया कि ये एक प्लास्टिक का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे लिए एक अहम सबूत है जिसकी मदद से हम मुलजिम तक पहुंच सकते हैं। इसे लेकर बाजार में कहां से ये टोपी खरीदी गई है इस हवाले से तहकीकात की जाएगी और दुकान का पता लगाने के बाद उसके सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट के अहलकारों ने एक मिस्री शहरी को जो गाड़ी चलाते वक्त रास्ते के दौरान एक पाकिस्तानी शहरी से झगड़े के बीच पाकिस्तानी शहरी को मुक्का मारने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस हादसे के बाद मिस्री शहरी वहां से भाग गया और पाकिस्तानी ने कार के नंबर प्लेट को नोट किया और पुलिस को खबर किया। पुलिस ने कार के नंबर प्लेट से उसके पते की पहचान करने के बाद उस शख्स के घर पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एक नामालूम इंडियन शहरी की लाश उसके गले में रस्सी के साथ एक घर की छत से लटकी हुई पाई गई है, जिसे क्रिमिनल एविडेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। अल राय दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक सुलेबिया में हुए ये हादसा और एक नामालूम शख्स जिसने लाश को लटका हुआ देखा और अहलकारों को खबर किया, अहलकार मौके पर पहुँचे और तहकीकात किया। सिक्योरिटी अहलकारों ने इसे मर्डर की उम्मीद से इनकार नहीं किया, यानी कि इसे एक तरह का मर्डर की उम्मीद जाहिर की गई है। और अगर इस हवाले से कोई और अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके खुदा हाफिज़।